हम इस वक्त खड़े हैं दुर्गा मेडिकल यानी कि दुर्गा ऑप्टिकल्स के ठीक सामने, और यही दुकान है जिसका एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह इसी दुकान का वीडियो है जिसमें दुकान के मालिक कथित तौर पर इस दुकान के मालिक विवेक गारोदिया उर्फ मुन्ना इस दुकान में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी का कथित तौर पर शारीरिक शोषण करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैहिक शोषण जिसे कहा जाता है वह करते हुए नज़र आ रहे हैं। यह वीडियो वायरल हो चुका है और यह वीडियो कई न्यूज़ चैनलों में भी चल चुका है। यह उल्लेखनीय बात यह है कि 1 सितंबर की रात को विवेक गारोदिया उर्फ मुन्ना की पत्नी चित्रा उर्फ चिंकी की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी, और विवेक गारोदिया उसे उसी रात तिनसुकिया के सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे जहां के डॉक्टरों ने, जहां के चिकित्सकों ने चित्रा के मृत शरीर को पोस्टमार्टम हेतु रखवा दिया था। जबकि आरोपों के अनुसार विवेक गारोदिया ने यह प्रयास किया था कि वह उसी रात चित्रा के मृत शरीर को दाह संस्कार करके मामले को रफा दफा कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ। और दूसरे दिन चित्रा के परिवार वालों ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप इतने गंभीर थे जिसे हम बयां नहीं कर सकते, और जो वीडियो वायरल हुआ है उसे हम दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते कि उसमें कितनी अश्लीलता भरी हुई है। इसके बाद चित्रा के परिवार वालों द्वारा तिनसुकिया के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और विवेक गारोदिया फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है पर अब तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। यहाँ कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। पहला प्रश्न, क्या इस दुकान में काम करने वाली गरीब घर की लड़कियों का दैहिक शोषण किया जाता था? वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें जो दृश्य है उसके अनुसार यहाँ काम करने वाली जो युवती थी वह किसी गरीब परिवार की होगी। क्या उसके साथ या उससे पहले काम करने वाली युवतियों के साथ ऐसा ही दैहिक शोषण किया गया है? क्या इन्हीं कारणों के चलते विवेक की पत्नी चित्रा की मौत रहस्यमय कारणों से हुई? ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं और इस पर से पर्दा तभी उठेगा जब विवेक गारोदिया पुलिस के गिरफ्त में आएगा। कृष्णा उपाध्याय, पिक न्यूज़, तिनसुकिया।